उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं या उसके एक्सप्लेशन में कोई भी हदीसी मुबारक उसके बारे में डिस्कस करते हैं और ये जो ऐप है जिससे हम कौन पा के को रीड कर रहे हैं ये कुरान बाय मौलाना अब्दरहन के लानी बड़ी ख़ूबसूरत और हल्के फुल्के से अंदाज़ में और सिंपलेस्ट उर्दू के अंदर लिखा हुआ लिखी हुई ये है चलिए चलिए <coughs> स्टार्ट करते हैं तुम फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा अच्छा यहाँ पर डिस्कशन हुई थी फिर उनके बारे में आइट नंबर सेवनटीन से जो डिस्कस हो रही थी हमारी अब अला फिर इन कि फिर के पास जाओ सरकश हो गया है फिर इसे कहो क्या तेरे लिए मुमकिन है कि पाकिस्की अख्तियार करे और मैं तुझे तेरे परवरदिगार की राह दिखाऊँ और तुम डर जाए चुनाचे मूसा ने इसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई यानी कि जो निशानें दिखाई थी वो असें वाली मगर इसने इसे जुटला दिया और नाफरमानी की यानी कि बात ना मानी फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा ठीक है फ़िरौन के बारे में डिस्कशन हो रही है फ़िरौन की सरकशी फ़िरन और दरबारियों को यह मौजा दे के यकीन तो आ चुका था कि मू साम वाकई अल्लाह के रसूल हैं मगर मुश्किल ये थी कि ये बात इस्तीम कर लेने से इन सब को अपने अपने इकतदार और मुनासिब से दस्तबरदार होकर मू साल इस्लाम का मती और फरमा बनना पड़ता और ये बात इनके लिए मौत थी लिहाजा उन्होंने वाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अल्लाह की तरफ से दा करदा मुजदा नहीं है बल्कि जादू का करिश्मा है आपने इस जूढ़ को सच्चा बनाने के लिए उन्होंने ये चाल चली कि मुल्क भर के माहिर जादूगरों का बरसर आम मूसा इस्लाम से मुकाबला करवा दिया जाए फिर ने जादूगरों को लालच भी बहुत दिया मगर जब जादूगरों ने मैदान मुकाबले में हार कर भरे मजमे में ये ऐलान कर दिया कि जादू का करिश्मा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ़ से अदा करदा मोजा है और हम मूसा और हारून आलम के रब पर ईमान लाते हैं तो इससे फिनौन और उसके दरबारियों के की भरे मजमु में खूब रसोई हुई फ़ह शरा फना इसने लोगों को इकट्ठा किया और पुकारा फ़को रब कहने लगा मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ नाउज़ बिल्ला फ़िरन कराया मैं प्रोपोगंडा मैदान मुक़ाबले में, में मात खाने के बाद बहुत से लोग दरपड़दात हज़रत पर ईमान लाने लगे तो फ़िरन बहुत सीख पा हो गया इसने एक दूसरा पैंतरा बदला और लोगों से कहने लगा कि तुम लोग मेरे मुकाबले में इस शख्स की पैरवी करने लगे हो जो मेरे मुकाबले में एक कमज़ोर और हकीर इंसान है जबकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हुक्मरान हूँ तुम्हारे वसाइल माश भी मेरे हाथ में है फिर उन्होंने अपने आप को इन मायनों में रबुल नहीं कहा था कि वह अपने आप को खाली के काना समझता था बल्कि वो अल्लाह ताली ही को खालो खाली को मालिक समझता था वो अपने आप को लोगों का महबूद भी नहीं कहता था बल्कि वह तो खूबसूरत देवता की परसतिश करता था वो अपने आप को मुल्क में सबसे बड़ा सियासी इकतदार का मालिक और हुक्मरान समझता था वो ये कहता था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा सियासी मकतदर आला मैं हूँ और मैं और मेरे बग़ैर यहाँ किसी दूसरे का कानून या हुक्म नहीं चल सकता ने इसे आख़रत और दुनिया के अदा में पकड़ लिया इस वाक्य में समानबरत है उस शख्स के लिए जो की गिरफ्त से डरता है यानी जिस तरह फ़िवन ने सरकशी की राख तैयार की थी वही जो कुछ वही कुछ तो तुम कर रहे हो इसका इंजाम देख लो और इस वाक्य से इब्रत हासिल करो कि कहीं तुम्हें भी ऐसे इंजाम से दो चार ना होना पड़ जाए तुम अशद्दु खलकन आमिस सम है आ तुम क्या तुम अशद्दु खलकन ज्यादा सख्त हो तख्लीक तख्लीक में आमिस सम है या आसमान इसने बनाया इसको क्या तुम्हें पैदा करना मुश्किल काम है या आसमान को जिसे इसने बनाया यानी अल्लाह ने बनाया मखस तौर पर फ़िरन बया फ़िर किस्िरौन बयान करने के बाद फिर असल मज़मून यानी अकद आख़रत की तरफ रजूह करते हुए काफ़रों से सवाल किया जा रहा है कि क्या, क्या इस कायनात को यूद में लाना ज़्यादा मुश्किल काम है या तुम्हें पहली बार या दूसरी बार पैदा करना यहाँ लफ सम इस्तेमाल हो गया जिससे मुराद आसमान भी हो सकते हैं और तमाम आल वाला भी इसकी छत को बुलंद किया फिर इस तोज़ुन कईम किया आसमानों की तख्लीक़ और उन्हें हमवार करना सामा का बामायनी बुलंद करना मोटा और दबेज करना और बमाइनी छत या छत की मोटाई नींद हर ऊँची और मोटी चीज़ का कदो कामत ऐसा से साफ मालूम होता है कि आसमान महज हद नगाह का नाम नहीं जैसे कि मौजूदा है यह दानों का ख़्याल है बल्कि आसमान एक ठोस और मोटी या दबेज चीज़ है जिसमें दरवाजे भी हैं और आसमान की ऊँचाई ज़मीन के हर मुकाम से सा है क्योंकि इसकी निचली और ऊपर की दोनों की सतह को हमार बनाया गया है व अखश है वज है और इसकी रात को तरी कर दिया और दिन को धूप निकाली लईल नहार यानी इस आसमान में सूरज पैदा किया जब तक वह ज़मीन के सामने रहता है तो इनके लिए धूप का वक्त होता है और दिन होता है और जब वो गरूब हो जाता है और छुपा रहता है तो इनके लिए रात का वक्त हो जाता है इसके बाद ज़मीन को बिछा दिया दहा और दहा दोनों हम मायने बल्कि एक ही लफज है सिर्फ मुख्तों के अलग लफज की वजह से ये दो लफ बन गए कुरान में ये दोनों अल्फा सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुए हैं और एक ही मायने में आते हैं कहते हैं सहा यानी बारिश कंकरियों को दूर दूर तक बहा कर ले गई गोईन दोनों अल्फ का मायने दूर दूर तक बिछा देना या फैला देना है निस दहा के मायने में में गलाई का तस्वुर पाया जाता है

मत ऐम ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे छुपायों के लिए सामान्य ज़िंदगी है पहाड़ों के फौायद का जिक्र कुरान में बहुत से मकाम पर मशकूर हुआ है या सूरज पहाड़ों का जिक्र इस मुनासबत से है कि बारिश की नजूर में ये दोनों चीज़ें अबाब हैं सूरज की हरारत से सतए ज़मीन सतए समर के आबीब बुखार उठते हैं जो पहाड़ों से टकरा कर और ठंडे होकर बरसने लगते हैं इसी बारिश से नबातात तो और चारा और गले पैदा होते हैं गले की गजा के काम आते हैं और घास और चौरा हम, हमारे हमेशों की हमारे मुशियों की गज़ा का काम देता है फिर तो जब अज़ीम आफत आ जाएगी अतम बाइनी बानी से भरा हुआ ठाठे मारता हुआ समंदर और तोमा ऐसी आफत जो दूसरी मुसीबतों पर हावी हो जाए और कुबरा का लफज इस बड़ी आफत को मजीद नुमाया करताद के तौर तो पर आया है इससे मुराद क्या मत का दिन है मा मा तो इस दिन इंसान याद करेगा जो कुछ इसने कोशिश की होगी इस बड़ी मुसीबत का असल मकसद सबको मालूम होगा कि आज का दिन लोगों के हिसाब किताब का दिन है और हर इंसान को अपने नाम माल देखने से पहले ही वो तमाम काम याद आने लगेंगे जिससे अपनी दुनिया की ज़िंदगी में सर अंजाम दिए थे खो वो काम अच्छे थे या बुरे थे और जहन्नुम को पर देखने वाले के सामने लाया जाएगा। बुरासत बरजर, बरज बबाई ने किसी चीज के निकल कर खुले मैदान में, में आ जाना सामने आ जाना गुमनामे और पशीदगी के बाद जाहिर हो जाना और बरजर के मानी फिजा और खुला मैदान और दावत मुआरसत मुबारसत यानी किसी शख्स का मैदान जंग में आगे बढ़कर दुश्मन के किसी आदमी को मुकाबले के लिए ललकारना है और बरज़र बर किसी छिपी ही चीज को निकाल कर सामने खुले मैदान में ले आना यानी इस दिन जहन्नुम को सब लोगों के सामने ले आया जाएगा वो नेक बदकार हों एक दूसरे मुकाम पर इसी मजबूत को एक दूसरे मुकाम पर यू बयान किया गया है

रहा वो जो डरा खड़े होने से अपने रब के सामने व नव रोका इस नफ्स को ख्वाहिशात से लेकिन जो अपने परवरदिगार के हजूर जवाबदेही के लिए खड़ा होने से डरता रहा और अपने आप को ख्वाहिश नफ्स से रोके रखा फ तो जन्नत जन्न तह तो ही का ठिकाना होगा यानी इस दिन सारी मखलूक दो ग्रहों में बढ़ जाएगी एक वो जो आख़रत के मुनकिर थे उन्हें अल्लाह के सामने पेश होने और अमा, अपने अमाल की जवाबदही का ना कोई तस्वुर था और ना ख़तरा था लिजा वो दुनिया की ज़िंदगी को ही सब तो समझ कर इस पर फ्रिफ्ता रहे और आखसरत आख़रत से बिल्कुल ही बेफिक्र बने रहे ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्म होगा और जब वो जहन्म पर पहुँचेंगे तो फ़ौर इसमें दाखिल कर दिए जाएंगे अल्लाह अल्लाह ए वाहम सबको जहनुम की आँख से बचा दें आमीन 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 याबुल दूसरे वो जिन्हें आख़रत में अपने अमाल की जवाबदही का हर वक्त ख़तरा लाक रहता था लिहाजा उन्होंने अपनी आखिरी मफाद की खातिर हर वक्त अपने नफ़ की ख्वाहिशा को दुआ रखा और अल्लाह से रहते हुए नायन सॉरी और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा यानी जो लोग अल्लाह से डरते हुए और अपने आखिरी मफाद की मफादात की खातिर अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबा देंगे अपने नफ़्स के पीछे नहीं रहेंगे और अल्लाह ताला से डरते रहेंगे और अल्लाह से डरते हुए नहाय मोहताद अंदाज में ज़िंदगी गुजारेंगे ऐसे लोगों को अल्लाह ताल जन्नत जन्नत में दाखिल फरमाएंगे यस अलुना का सवाल करते हैं आपसे क़यामत के बारे में कब है ठहरना इसका ये लोग आपसे क़यामत के मतलब पूछते हैं कि वो कब क़ायम होगी आपको इसके जिक्र वक़्त बताने से क्या वास्ता इला इसका इलम तो आपके परवरदिगार पर ख़त्म होता है इनकाफों ने भी अजीब मज़ाक बना रखा है कि अक्सर आपसे यही सवाल पूछते रहते हैं कि क्या मत कब आने वाली है हालांकि ये बात आपके अहात इलम से बाहर है ये लोग जितना भी सवाल कर सवाल के पीछे पड़ेंगे इस सिलसिले में आपको परेशान करें बिल आखिर इसका यही जवाब सामने आएगा कि इस बात का इलम सिर्फ़ अल्लाह को है और इस बात को जान नाम लिहाज से कुछ तो मुफ़ी नहीं बस हर शख्स का ये तस्वूर होता है कि मरने से पहले मुझे फलांक करना चाहिए कर जाना चाहिए हालांकि अपनी मौत का इलम अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं होता लहजा क्या अकीदे का अमली पहलू यही है कि इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में जो दारुल इम्तिहान है ऐसे काम कर जाए जो इसके लिए मुफी सबित इन तमै आप जो तो से डराने वाले हैं इस शख्स को जो इससे डर जाए का गोया के वो जिस दिन वो देख लेंगे इसको तो क्या कहेंगे गोया के लमयल बसू अशिया नहीं वो ठहरे मगर शाम का वक़्त औु है है इसकी सुबह जब वो इसे देखेंगे तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि वो गोया वो दुनिया में बस एक पिछला या पहला भैर ठहरे थे गुजरिश्ता वाकया के मतलब इंसान का सबूर ये होता है कि भी सौ साल पहले गुजरे वाक्य के मतलब वो कहता है कल की बात है ये साल में दुनिया का हाल है जिसमें लईलो नहार की से नज़र आती है माहौल साल का वो हिसाब लगा सकता है लेकिन आज में बरश्ख़ में तो ये दिन रात भी नहीं होंगे जैसे साह, साहब कहाव पर तीन सौ साल गुजरने के बाद वो ये फ़ैसला ना कर सके कि वो सार में पूरा दिन सोए हैं या दिन का कुछ हिस्सा बिल्कुल यही सूरत हाल क्यामत के दिन लोगों को पेश आएगी और काफ़ी क्यामत के दिन देख कर यही समझेंगे क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो पूरा एक दिन भी ना थी तो आज थोड़ी सी मुदत हम अल्लाह की फरमावदारी में ही गुजार करें आ जाते अल्लाह पाक उस वक़्त उस दिन के आमद के दिन हम सब पर अपनी हम सब को अपनी रहमत के सायतले रखे और अपनी रहमत के सद के हम सब को मुआफ़ फरमा के जन्त में जगह फरमाें सतनाजत यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गया इन शह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं चलदा टेक केयर हाफ़